नेक्स्ट है सबट्रैक्ट। जैसा ऐड आपने पढ़ा है वन डिजिट टू डिजिट थ्री डिजिट, सेम आप सबट्रैक्ट भी वन डिजिट टू डिजिट और थ्री डिजिट का समझेंगे पढ़ेंगे। आप लिखिए माई फाइव माइनस टू, फाइव माइनस टू का आंसर हो जाएगा थ्री, नाइन माइनस फोर फाइव, सेवन माइनस थ्री फोर, ये सब्ट्रैक्ट है। वन डिजिट टू डिजिट का सब्ट्रैक्ट बनाओ, ट्वेंटी एट माइनस फोर्टी, ट्वेंटी एट फोर्टीन, एट सब्ट्रैक्ट एट माइनस फोर फोर, टू माइनस वन वन। नेक्स्ट है ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेल्व, ट्वेंटी फाइव ट्वेल्व थ्री वन, टू डिजिट। नेक्स्ट है थ्री डिजिट का भी आप सब्ट्रैक्ट बना सकते हैं। सब्ट्रैक्ट आपने पढ़ा, अब इस तरह से वन डिजिट टू डिजिट थ्री डिजिट फोर डिजिट का भी आप सब्ट्रैक्ट बना सकते हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पैटर्न। पैटर्न में आप पढ़े होंगे क्योंकि वार्म अप चैप्टर है, तो इसमें मैं आपको फिगर देकर के समझाता हूँ। एक सीरीज होता है जो ये देखिए फिगर, ये फिर ये फिगर है, अब आप देखो ये फिगर। पैटर्न में आपको ये देखना है, स्माइल है, ये फिगर, ये फिगर, फिर ये और ये। अब आप देखो इसके बाद ये आया, फिर यहाँ ये फिर ये फिर ये फिर ये, और नेक्स्ट फिगर क्या बना सकते हैं, फिर ये आएगा यहाँ, फिर नेक्स्ट इसके बाद जस्ट ये, यही आपका पैटर्न है। इस तरह से एक और एग्जांपल दे रही है पैटर्न का, जैसे फिगर बनाते ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, फिर रेक्टेंगल, नेक्स्ट कौन सा आएगा, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इसका मतलब फिर आ जाएगा आपको ट्रायंगल और फिर रेक्टेंगल। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो, फाइव टेन फाइव टेन फाइव, नेक्स्ट फाइव टेन फाइव टेन फाइव। अब आप देखो जब फाइव नेक्स्ट हो जाएगा टेन, फिर इसके बाद फाइव, ये आपके सीरीज को कंप्लीट कर रहा है, ये आपका पैटर्न है। इस तरह से आप कोई भी सीरीज कंप्लीट कर सकते। नेक्स्ट है लॉन्गर एंड शॉर्टर। लॉन्गर और जानते हैं आप, लॉन्गर लंबा, शॉर्टर मीन्स छोटा। आप इसको भी फिगर से आप समझ सकते हो। मैं एक पेंसिल का ही फिगर बना के आपको बता रहा हूं।
अब इस फिगर से आप फाइंड करो कौन लंबा है कौन छोटा है। अब इससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा पेंसिल छोटा है टॉर्च बड़ा है। तो यहां पे ये टॉर्च हो जाएगा लॉन्गर, पेंसिल शॉर्टर। अगर आपका इसमें फिल द ब्लैंक्स में भरना हो तो आप लिख सकते हैं कि द टॉर्च इज longer than pencil, the torch is longer than pencil, pencil से torch बड़ा है, यानी इससे आप clear समझ सकते हैं इस figure से shorter और longer का क्या मतलब हुआ, यानी आप इससे और भी फिगर बना के समझा सकते हो। ये लास्ट टॉपिक है आप स्टैंडर्ड 2 का चैप्टर 1 वार्म अप अब आपका कंप्लीट हो चुका है। जो भी प्रॉब्लम होगा आपको पोस्ट क्वेश्चन इस पे दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। जो प्रॉब्लम होगा आप उसको डाउट क्लास में क्लियर करेंगे। थैंक यू।